जब अश्लील फिल्में गीत लिखे जाते हैं तो कलाकार उसको अपने ऊपर फिल्माने से मना क्यों नहीं करता है? देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री अगर कहा जाए तो जितने हीरोज हैं ना वो लोग कहते हैं कि उनकी वजह से चलती है इंडस्ट्री, ऐसा कहना है। और सही बात अगर जानिए तो हीरो ही हर चीज़ों के लिए रिकमेंड करते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, नहीं प्रोड्यूसर के अलावा। लेकिन आज तो सबसे महंगी हीरोइन अक्षरा ही कहलाती है, तो आपकी बात क्यों नहीं मानी जाती है? आप लोगों की दुआएं हैं। अभी मैं जो भी मैं कह सकती हूँ, अभी इन दिनों जो भी काम कर रही हूँ अपने एल्बम्स के द्वारा या अपनी फिल्मों के द्वारा, मैं कहीं ना कहीं बहुत कुछ सुधारने की कोशिश की हूँ। ये आपको नजर आएगा मेरे एल्बम से, चाहे वो एक एल्बम का गाना हो, चाहे फिल्म हो, अभी के डेट में जो भी कर रही हूँ हर चीज़ों में मेरी प्रयास उतनी ही जारी है कि मैं उन चीज़ों को सुधारूँ, अपने बस में जितनी मेरी औकात है उतना तो सुधारूँ। हमको देखा जाता है खेसारी लाल यादव का ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा गाना जो है बलवेंटिंग को आता है उसका, खेसारी लाल का सबसे ज़्यादा, चाहे वो फिल्म में हो, चाहे फिल्म नोजाइजेशन किया गया हो या उसका वीडियो बनाया गया हो, उसी का सबसे ज़्यादा वर्गर होता है। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ ना इसमें, तो मैं पहले ही आपको बोल दी कि आप जैसे लोग, चाहे वो मीडिया के लोग हो, चाहे वो अपने श्रोतागण हो, चाहे वो दर्शकगण हो, इनका ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए इन चीज़ों के लिए। अभी बीच में एक फिल्मी दुनिया में बहुत लोगों का करियर खराब कर दिया, मी टू। यस, आपका नजरिया क्या है एक एक्ट्रेस होने का जो बोल्डनेस, क्या नजरिया आपका इस पर? देखिए इस चीज में मैं बहुत ज्यादा लकी रही हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश थे इंडस्ट्री में आने से पहले, तो कभी ऐसी नौबत नहीं आई। अभी तक आपने कितनी फिल्में की हैं? अभी तक मेरी 25 से ऊपर फिल्में हो चुकी हैं। और कितनी परफॉर्मेंस में है, तैयारी में अभी 5-10 फिल्में। आपके फिल्मों में मुख्य हीरो कौन कौन रहे हैं? मुख्य हीरो जो भी इंडस्ट्री के हैं वो सबों के साथ में काम, सबके साथ पैरेलल ही रहा। पवन जी हो गए, दिनेश जी हो गए, इजारी जी हो गए, सबों के साथ।